हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूबर बाबूजी में। तो दोस्तों, आपके लॉकडाउन के दिन कैसे चल रहे हैं? आई होप ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं चल रहे होंगे। वैसे भी अब तो थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी खुद रखिएगा और घर पर ही रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि हम पुराने गेम्स कैसे खेल सकते हैं, यानी कि जितने भी पुराने रेसिंग गेम्स हैं या फिर GTA की सीरीज़ है, कोई भी है, वैसे GTA के लिए तो मैंने जो वीडियो डाली थी अभी पहले, आप उसको देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पुराने गेम्स खेलना चाहते हैं और भी उससे पुराने गेम्स, आप उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? ऐसा होता है कि इंटरनेट पर डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि आप उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तौर पर मैं आपको आज एक गेम डाउनलोड करके दिखाऊंगा, जो कि एक रेसिंग गेम है। आप सभी ने उसका नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। दोस्तों, इसके ऊपर एक फिल्म भी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, या फिर आप नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का फुल वर्जन एडिशन आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप ये देखिएगा। इसके साथ साथ आप जो भी कोई मतलब अदर गेम आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सारे गेम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इससे गेम डाउनलोड हो सकते हैं आपके, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं पुराने गेम्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले भाई आपको अपना जो है लैपटॉप में गूगल खोल लेना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड या फिर नीड फॉर स्पीड फुल सेटअप फॉर PC टोरेंट। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है। और वैसे तो मैंने गेम भी डाउनलोड किया है, लेकिन आपके लिए मैंने दोबारा अनइंस्टॉल गेम कर दिया है, और फिर से अब आपको इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा और ये गेम पूरा चला करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है। आप जब इसके फर्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ है, इसमें नीचे की साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, आपके पास आपको ध्यान रहे कि आपको ये डाउनलोड करने के लिए, मतलब आपको इस तरह के जैसे कोई भी डाउनलोड करना है, तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि टोरेंट, इसको कहते हैं टोरेंट, ये टोरेंट होना चाहिए। अगर आपके पास टोरेंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इससे ही आप GTA भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक फिल्म वगैरह, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ड्यूल, मतलब कुछ भी आप इसे लगभग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसे कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने गेम की तरफ। यहाँ पर आपको नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड टोरेंट लिखा हुआ है, और डाउनलोड टोरेंट पर इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पर आपको ओपन यू टोरेंट पर क्लिक करना है, और ये डायरेक्ट जो आपका पेज है, यानी कि आपको जो लिंक है, वो डायरेक्ट यू टोरेंट में खुल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मेरा ये जो पेज है खुल चुका है, और आप यहाँ पर ओके, नीचे की साइड डायलॉग बॉक्स में ओके दिया गया, इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको वो इसी में फाइल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टिक मार्क से भी हटा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो मुझे सारी फाइल चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने GB का ये गेम है, 1.82 GB का ये गेम है पूरा का पूरा। वैसे तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन आपके लिए दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। अब इसको पूरा डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप इसको मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको इसको पूरा डाउनलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से बदल सकते हैं इसके जो आप ब्राउज़र, मतलब कि आपको ये कहाँ पर इंस्टॉल करना है, कहाँ पर डाउनलोड करना है, तो आप दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने तो पहले से ही सेट इसमें किया हुआ है कि मैं इसमें जो इंस्टॉल का मेरा ऑप्शन है, मतलब जो मेरी डाउनलोडिंग होगी वो यहाँ पर होगी गेम्स में। और ये देखिए, मैंने सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पहले तो इसको, मतलब मेरा तो डाउनलोड हो चुका है, तो इसलिए पहले चेक कर रहा है, लेकिन अब मैंने दोबारा लगाया तो इसको दोबारा से डाउनलोड करेगा, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन कोई नहीं, अभी इसको हम फिलहाल के लिए रोक देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर। और स्टॉप करने के बाद दोस्तों, आप बैक हो जाइए, यानी कि जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाइए तो आप बैक आइए, और जहाँ पर आपका डाउनलोड हुआ है, यानी कि मैंने जो इंस्टॉल के लिए यानी डाउनलोड के लिए ऑप्शन किया था, वो मेरा था ये आपका गेम्स, ये रहा, और गेम्स में मेरा आ गया नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। देखिए, और आप यहाँ पर देखिए सेटअप पर क्लिक कर सकते हैं। सेटअप पर क्लिक करने के बाद आप रन एज एडमिनिस्टर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स होगा, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको सभी को पता है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, आइए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप थोड़ी देर में यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए दोस्तों, डायलॉग बॉक्स इसमें ओपन हो चुका है, और यहाँ पर अब आपके सामने कुछ कंडीशंस रखेगा।
ये देखिए दोस्तों, इसकी जो साउंड है वो भी ओपन हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, मिस्टर डीजे लिखा हुआ जो है, ये मिस्टर डीजे रिपीक है एडिशन। और यहाँ पर आपको कन्फिगर पर क्लिक करना है। कन्फिगर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्राउज़र करना है, यानी कि ये गेम आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, मेरे को इसको डेटा डी मिस्टर डीजे एक फोल्डर बनेगा वहाँ पर, उसमें नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट, और यहाँ पर इंस्टॉल। दोस्तों, इंस्टॉल के बाद आपको ये डायरेक्टर्स के लिए कहेगा, डायरेक्टर्स आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपका नेट खुला हुआ है तो अच्छी बात है, वरना आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभी अपडेट आते हैं डायरेक्टर्स में, तो वो अपडेट आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रही है डायरेक्टर्स की, आइए इसको होने देते हैं। और दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो डायरेक्टर्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। और यहां पर देखिए, आपकी जो इंस्टॉलिंग है वो आपकी इंस्टॉलिंग चल पड़ी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मेरा लिखा हुआ आ रहा है 1.70%। तो इसको पूरा होने देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बस। और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये हो चुका है 91%। तो दोस्तों, अब बस थोड़ी देर में ये आपका इंस्टॉल होने वाला है और आप इसको जल्दी से जल्दी खेलने वाले हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। आप इसी तरीके से कोई सा भी पुराना गेम इससे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जैसे कि मैंने लिखा था ना, नीड फॉर स्पीड फुल सेटअप पीसी फॉर पीसी और टोरेंट आके लिख दिया था, तो आपको ऐसे ही कोई सा भी गेम लिख देना है, उसके आगे टोरेंट लिख देना है। तो आपको ऐसे इसी तरह फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर वो टोरेंट में अवेलेबल होगा तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, वरना नहीं। और अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और यहाँ से आपको इसमें फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद दोस्तों, आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन बनेगा, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड ब्लैक एडिशन। आप यहाँ से इसको रन एंड एडमिनिस्टर कीजिए, और यहाँ से हम इसको प्ले कर लेते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने प्ले कर दिया है, और यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है ओपन। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपना कोई भी गेम, यानी पुराना गेम आप खेलना चाहते हो तो उसको डाउनलोड कीजिए, और लॉकडाउन में घर रहिए, सेफ रहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर वीडियो में कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिखती हो, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, मेरे को अभी एक कमेंट आई थी कि माइनक्राफ्ट गेम कैसे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों अभी उस पर मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, अभी मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, इसलिए मैंने अभी ये वीडियो डाल दी है। तो दोस्तों, उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, माइनक्राफ्ट को मैं फ्री डाउनलोड कैसे कर सकते हैं प्ले स्टोर से एंड्रॉइड के लिए, उसकी वीडियो में मैं आपको डालने वाला हूँ। और बहुत ही इजीली आसान तरीके से इन वीडियो को देखिए, और ये पुराने गेम्स को डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को जरूर बताना। और दोस्तों, मेरी वीडियो को आप ईयरफोन लगाकर देखिएगा, आपको कुछ अलग ही महसूस होगा, और आप मेरे को कमेंट में बताया करो कि आपको क्या महसूस हुआ। थैंक यू।